अब G20 नहीं G21 होगा। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को मिली मंजूरी। अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी ने गले लगकर किया पीएम मोदी का धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पत्र। बुधनी में हुए 100 करोड़ के गेहूं भंडारण घोटाले की ईओडब्ल्यू से जांच कराने की मांग। राजस्थान से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ज्वाइन करवाई पार्टी। पुणे में पेट्रोल टैंकर में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने की कोशिश जारी। गदर 2 ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी। 511 करोड़ हुआ टोटल कलेक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स। अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड। 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च। साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।